हाय दोस्तों, मैं दिग्गज सिंह चौहान आपके अपने YouTube चैनल रनिंग फिटनेस क्लब नीमच में आप सभी का स्वागत करता हूं। 28 जनवरी 2022 मॉर्निंग शिफ्ट में सबसे ज़्यादा नंबर इन्हीं के आए हैं। इनसे पूछते हैं, इनकी संपूर्ण जानकारी लेते हैं, कैसा गया इनका पेपर आज का। क्या नाम? शुभ नाम? हेमलता राठौर। हेमलता राठौर नाम इनका। कहाँ से आते हो? नीमच के पास गाँव से, तेलंगेड़ी। तेलंगेड़ी गाँव से, नीमच जिले से बिलोंग करते हैं और इनके सबसे ज़्यादा हाइस्ट गर्ल्स में इन्हीं के नंबर रहे हैं। कितने नंबर हैं आप? 72 नंबर अभी तक मेरे को ये 72 नंबर वाले हाइस्ट मिले हैं। तो इनसे पूछते हैं, मेस में कैसा क्या गया? मेस से थोड़ी कैलकुलेशन थी। अच्छा, कैलकुलेटिव? हाँ, थी। हाँ, बहुत ज़्यादा थी कैलकुलेटिव। उसमें विभाजकता के 3 क्वेश्चन पूछ रखे थे और 2 एवरेज से थे। हाँ, प्रॉफिट लॉस का नहीं था। हाँ, और वो आयत का था एक। हाँ, और सिंप्लीकेशन के 2 थे, एक त्रिभुज का था। अच्छा, एक त्रिभुज का था। हाँ, और रीजनिंग अच्छी थी। रीजनिंग तो अच्छी अब थी। मैं एडवांस में इसमें ज्योमेट्री से कोई क्वेश्चन बना? नहीं, ज्योमेट्री से नहीं। ज्योमेट्री से कोई क्वेश्चन था? और इसका अपने एलजेब्रा से? एलजेब्रा से बस मैं मेंशुरेशन बना है ना। हाँ, एलजेब्रा से नहीं था। अब बात करते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा? रीजनिंग में कथन निष्कर्ष थे। हाँ, और यदि तो के 4 क्वेश्चन थे। और एक दर्पण वाला था। अच्छा, कोडिंग डिकोडिंग से कितने क्वेश्चन बने? 5 से 6 क्वेश्चन बने गए थे ना। और रक्त संबंध से? रक्त संबंध से 3 क्वेश्चन। और वर्गीकरण से? वर्गीकरण से 2 क्वेश्चन। समरूपता से? समरूपता एक था। एक था। और इसका दिशा दूरी से? दिशा दूरी से नहीं था। नहीं था, बिल्कुल नहीं था। और इसके अपने सिलोजिज्म न्याय निगमन से? न्याय निगमन से नहीं, एक भी क्वेश्चन भी ना। कथन निष्कर्ष थे, मतलब कुछ सभी पेड़ पत्ते हैं वो वाले। हाँ, वो 3 क्वेश्चन। अच्छा, वो 3 क्वेश्चन थे। हाँ, और यदि तो 2 क्वेश्चन थे। अच्छा, यदि से 2 क्वेश्चन थे। अब वाटर इमेज से? एक था। मिरर इमेज से? नहीं, कोई नहीं था। और सीरीज से कोई क्वेश्चन बना? हाँ, सीरीज से 3 क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन बने थे। और मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन के कितने क्वेश्चन बने थे? 3 क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन बने थे, कैलकुलेटिव ना। तो रीजनिंग मैथ्स और कहीं कहीं देखा जाए तो कैलकुलेटिव था। अब बात करते हैं साइंस कैसी पूछी गई। साइंस तो ऐसी साइंस थी, कभी देखने को ही नहीं। अच्छा, देखने को नहीं मिली साइंस है ना। तो बायो के ज़्यादा क्वेश्चन बने क्या? हाँ, बायो के ज़्यादा। अच्छा, बायो के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए, थोड़ा एक दो क्वेश्चन आपको याद हो? साइंस नहीं, याद ही नहीं आ रहा। अच्छा, याद ही नहीं आ रहा आपको, है ना। तो और साइंस तो हाँ, जीके में क्या आउट ही है? अच्छा, आउट ऑफ, मतलब आपने जो पढ़ाई, मतलब आपका, मतलब जो आपने पढ़ाई की वही काम आई, मतलब इतना डीप साल जिसका मैथ्स ठीक है ना। हाँ, वो कवर कर ले। तो आपने कितने साल से आप तैयारी कर रहे हो? मैं तो 2017 में बाहर हुई। अच्छा, 2017 में एमपीपीएस से बाहर हुए थे, एक दो नंबर से बाहर हुए थे। अच्छा, पॉइंट से हुए थे ना आप? पॉइंट 6 से बाहर। अच्छा, पॉइंट 6 नंबर से बाहर हुए हैं, फिर से ये श्रेणी बनने के लिए आ गए हैं और इनको वर्दी लगने से इस बार से कोई नहीं रोक रहा है। और इसमें एम पी जी के से कोई क्वेश्चन बना? एम पी जी के से हाँ, 5 से 6 क्वेश्चन थे। 6 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन याद है आपको? क्वेश्चन एक याद। अच्छा, याद नहीं आ रहा होगा अभी तो। हाँ, थोड़ा सा क्या है कि एग्ज़ाम को प्रेशर भी रहता है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज का पेपर सरल था। तो आप क्या बोलना चाहोगे, बच्चे किस लड़के हैं, लड़कियाँ किस प्रकार से तैयारी करें? मैथ्स रीजनिंग की ज़्यादा प्रैक्टिस करें। हाँ, और जीके वगैरह तो बस आउट ही आ रहा वो। हाँ, तो और गर्ल्स के लिए क्या मोटिवेशन के लिए कुछ बोल सकते हो आप, गर्ल्स किस प्रकार से? गर्ल्स मैथ्स रीजनिंग अच्छा करें। अच्छा, और थोड़ा जीके पढ़ लें। अच्छा, साइंस तो बाहर ही जा रही है। अच्छा, साइंस बाहर जा रही है ना, बिल्कुल। तो पेपर आज तो टफ था क्या? हाँ, पेपर तो लेवल जैसा आ रहा वैसा वैसा ही। अच्छा, पेपर का लेवल कहीं ना कहीं देखा जाए तो जैसा है वैसा वैसा ही है और सबसे हाईएस्ट लेने के रहे हैं। तो ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है, थैंक यू। हाँ हाँ, ठीक है।